आसान पल के इस एपिसोड में आज हम आपको बताएंगे कि ये ग्यारह प्रकार के जो अनाज हैं यदि शिवलिंग में श्रवण मास में यदि आप चढ़ाते हैं तो भोले बाबा इनको कई हजार गुना बढ़ा चढ़ाकर इसका पुण्य प्रताप आपको वापस करते हैं तो चलिए एक एक करके हम आपको बताते हैं कि कौन सा अनाज चढ़ाने से कौन सा लाभ प्राप्त होता है यदि आप ऐसी संतान चाहते हैं जो आपके कुल का मान बढ़ाए तो आपको गेहूं शिवलिंग पर जरूर अर्पित करना चाहिए गेहूं शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो वंश वृद्धि होती है साथ में सुयोग हमें संतान की प्राप्ति होती है तो ऐसी कामना वाले जातकों के लिए आप ¡Gracias! शिवलिंग पर गेहूं जरूर अर्पित करना चाहिए ये है चने की दाल तो चने की दाल यदि आप शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो कोई भी जातक है तो उसके विवाह में विलंब हो रहा है या नौकरी में विलम्ब हो रहा है या पढ़ाई लिखाई में दिक्कतें आ रही हैं तो इन सारी दिक्कतों से बचने के लिए सारी परेशानियों से बचने के लिए आप शिवलिंग पर चने की दाल जरूर अर्पित करें घर में रखने से भी ये शुभता प्रदान करती है तो घर में तो हमारी होती है साथ में आप शिवलिंग पर अर्पित करके लाभ भी कमा सकते हैं वहीं पर अगली बात हम बता रहे हैं आपको अगली दाल है जो वह हमारी मसूर की दाल तो मसूर की दाल में घर में हमारे में होती है यदि आप ये भोले बाबा पर अर्पित करते हैं शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो इससे मंगल ग्रह हमारा मजबूत होता है यदि आपका मंगल ग्रह मजबूत होगा तो मंगल ग्रह से संबंधित जितने भी दोष वो स्वतः ही आपके खत्म हो जाएंगे यदि आप कर्ज से भी परेशान है तो कर्ज भी आपका धीरे धीरे भोलेनाथ की कृपा से उतर जाएगा वहीं पर बात करें हम अरहर की दाल की तो यदि साबुत अरहर मिल जाए या इसके पत्ते मिल जाए तो वो भी अर्पित कर सकते हैं यदि ना मिले तो उस स्थिति में आप शिवलिंग पर दाल जरूर अर्पित करें ऐसा करने से ऐश्वर्य और सुख समृद्धि की बढ़ोतरी होती है प्राप्त होती है तो ऐसी कामना वाले जातकों के लिए अरहर की दाल शिवलिंग पर जरूर अर्पित करना चाहिए वहीं पर बात करें हम जवा की तो जो लोग काफी समय से यानी लंबे समय से किसी भी परेशानी से ग्रसित हैं और उस परेशानी से निकल नहीं पा रहे हैं तो आप अपनी मानसिक और शारीरिक परेशानियों को दूर करने के लिए जब आप भोलेनाथ पर जरूर अर्पित करें और अपनी सुख समृद्धि को जरूर बढ़ाएं वहीं पर बात करें हम तिल की तो काला तिल शिवलिंग पर जरूर अर्पित करना चाहिए यदि आपके पास काला तिल नहीं है तो उस स्थिति में आप सफेद तिल भी अर्पित कर सकते हैं या काला सफेद मिक्स होता है तो वह भी आप अर्पित कर सकते हैं हम प्राणी हैं जाने अनजाने में हम कितनी सतर्कता वर्तने लेकिन जाने अनजाने में हमसे आप हो जाते हैं तो ऐसे पापों की मुक्ति के लिए शिवलिंग पर जरूर अर्पित करना चाहिए तिल उसी के साथ हम बा, बात करें बाजरा की 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 तो अर्थ की, धर्म की, मोक्ष की और काम की, जो भी जातक इन सभी चीजों प्राप्ति करना चाहते हैं तो आपको बाजरा शिवलिंग पर जरूर अर्पित करना चाहिए वहीं पर अगली चीज है उड़द तो यहाँ पर देखिए छिलका हमने निकाल लिया है इस उड़द की दाल का तो आपको साबुत उड़द भोलेनाथ पर अर्पित करना है यहाँ पर देखिए एक दाना मैं बता रही हूँ इस पर ये छिलका लगा हुआ है यानी काला है ये दाना तो आपको यदि सावत उड़द मिलता है तो ठीक है नहीं तो आप उड़द की छिलके वाली दाल को आप शिवलिंग पर जरूर अर्पित करिए यदि आप उड़द की दाल शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो इससे जो राहु केतु से संबंधित जो भी आपके घर में अशांतियां हैं या जो भी कुप्रभाव है तो वो शांत हो जाते हैं वहीं पर बात करें हम मूंग की तो हरा जो साबुत साबित वह आप जरूर अर्पित करिए इससे जीवन में कोई भी परेशानियां चल रही हैं छोटी बड़ी बाधाएं चल रही हैं तो उन सभी बाधाओं का नाश होता है और जब बाधा ही आपके जीवन से चली जाएगी तो जितने भी हमें सांसारिक सुख हैं वो अपने आप ही प्राप्त होने लगेंगे और विशेष प्रकार के लाभ भी आप हासिल कर सकते हैं तो उसके लिए हरा मूंग आप जरूर अर्पित करें ये है काली मिर्च आप यदि लक्ष्मी की बढ़ोतरी चाहते हैं आप चाहते हैं कि लक्ष्मी की वृद्धि हो और साथ में आपके शत्रुओं का नाश हो तो विशेष शत्रुओं के नाश के लिए आपके शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं तो उन सभी चीजों से बचने के लिए आपको काली मिर्च शिवलिंग अर्पित करना चाहिए सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वह है चावल चावल हम लोगों के घर में होता ही है और आप इस एक चीज का विशेष ध्यान रखिए देखिए लंबा चावल है तो आप जरूरी नहीं है कि आप महंगा वाला चावल ही लें आप किसी भी प्रकार का चावल ले सकते हैं जो आपके पास श्रद्धा भाव से जो भी प्रेम पूर्वक आपके घर में मोटा चावल हो यहाँ पर मैंने बताया और यहाँ पर देखिए छोटा वाला पतला सा चावल है तो कोई सा भी चावल हो ध्यान रखने वाली बात यह है कि टूटा हुआ नहीं होना चाहिए इससे लक्ष्मी वृद्धि होती है अपार लक्ष्मी की प्राप्ति होती है तो यह उपाय ये सारे उपाय आप कर सकते हैं और मनोवांछित फल पा सकते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग